हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान ढोलक जो शेयर करने जा रही हूँ, और मैंने जो पिछले वीडियो में भी आपके साथ ढोलक जो शेयर की थी वो भी बहुत आसान थी, और लेकिन फिर भी सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है किसी किसी को, तो मैं आज उनके साथ और भी इजी ढोलक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिना रिंग की है और उसको बजाना बहुत ही आसान है। बस आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए, जो ये बड़ा वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हमको सारा ध्यान इस वाले पोर्शन पे रखना है, और इसकी जो साउंड है उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इस साउंड को ही आप ध्यान से सुने और इस साउंड को निकालने की पूरी कोशिश करें। और ये छोटे वाले पोर्शन में हम जो धमक लगाएंगे उसमें सिर्फ एक तरीके से, मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से ही आप इसको हिट करें बस, और सारा ध्यान अपना इस वाले ढोलक की ताल के ऊपर रखें। आशा करती हूँ आपको ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, और ये ढोलक भी जिनको बिल्कुल भी ढोलक बजाना नहीं आता है वो इसको बहुत आसानी से बजा सकेंगे। तो धुन कुछ इस तरह से, आप ध्यान दीजिए इस धुन को। देखिए, ये धुन जो निकल रही है, आप इसको हल्का सा तीन बार धमक दो बार आएगी लेकिन आपको लगेगा वो तीन बार है, तो आप उसको काउंटिंग में ना जाते हुए आप उसकी ताल को ध्यान रखें। ये वीडियो जो बड़ा हो बड़ा बनाने के आप लोग वो कहते हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ये वीडियो मैंने बड़ा बनाया है, वीडियो की रिकॉर्डिंग इसी वजह से मैंने आप लोग को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आपको ना आए इसलिए आप आसानी से इसे सीख सकें। तो देखिए, जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ इसकी ताल को आप फिर से ध्यान रखिए। देखिए, ये वाला जो छोटा पोर्शन है उस पे सिर्फ हमको इस तरह से हिट करना है। ये देखिए, जो ये वाला हम हिट करते हैं, जो पोर्शन हिट करने के बाद जब हमारा हाथ आगे को जाता है तब ये वाला राइट हैंड है उसको हम सिर्फ इस तरह से हिट कर देंगे। ये देखिए, एक बार वाले को नीचे ले जाके और ऊपर ले जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए, मेरा भी ये वाला राइट हैंड थोड़ी देर के लिए पॉज होता है जब इस हाथ में धमक लगती है, तो ये हाथ हमारा रुका हुआ रहता है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, सभी लोग कमेंट करते हैं कि मेरा एक हाथ नहीं चल रहा, एक हाथ नहीं चल रहा, तो एक हाथ बराबर दोनों हाथ नहीं चलते, एक हाथ थोड़ी देर के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज हो जाता है, रुक जाता है। वो देखिए, जब ये वाला धमक लगने के बाद यहाँ पर हैंड जाएगा तब आप इस हैंड का यूज करके और ऐसे कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पर हैंड आता है उसके बाद ये हैंड को यूं चलाना, एक बार नीचे हाथ लेके एक बार ऊपर हाथ, इस तरह से हाथ को आराम से चलाते रहना है। जब ये वाले हाथ जब लेफ्ट हैंड है यहाँ से धमक लगा के ये सेंटर में जाएगा, देखिए फिर से जब ये यहाँ पर जाएगा तभी आप इस वाले हाथ का यूज करेंगे इस तरह ये बजाने के लिए। फिर से ताल देखिए,
से सिर्फ देखिए ये हैंड ऊपर ले जाती हूँ, फिर ये फिंगर नीचे, और ये वाला बार बार रिपीट करती हूँ सिर्फ इस वाले पोजीशन पे। ये देखिए ये फिंगर को पहले नीचे फिर ऊपर, ये देखिए, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा ध्यान आपको इस हाथ में लगाना है, इसकी धमक आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए और ये वाले हाथ को सिर्फ एक उंगली, और ये इस तरह ही ये वाला हैंड आसानी से चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, थोड़ी देर के लिए ये हाथ भी पॉज होगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने तरीका बताया, ये अंगूठी जो मैंने रिंग से बताया था वो एकदम डिफरेंट है। जिनको रिंग वाली सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मैंने ये वाली ताल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और यदि फिर भी आप गाना कुछ इस प्रकार से, तुम सजती रहो हम सजाते रहे, तुम सजती रहो प्रैक्टिस करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा गाना आपको इसको बता दूंगी, आप वहाँ से नोटेशन ले सकते हैं इस गाने की, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके पास कोई भी इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।